नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और हर बार की तरह एक बार फिर हाजिर हूं मैं पारुल त्यागी अपना खास शो लेकर चार का चक्रव्यूह। चार का चक्रव्यूह में आज बात होती है चार बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं चार तस्वीरों के साथ। चार तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर छिड़े सियासी घमासान से जुड़ी हुई है और लोगों की जनसंख्या कानून को लेकर राय क्या है बताएंगे आपको। दूसरी बड़ी खबर वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई है, विस्तार से बताएंगे आपको कि वैक्सीनेशन के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है। तीसरी बड़ी खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर है। दरअसल उत्तराखंड हरियाणा के बाद गोवा में भी केजरीवाल ने फ्री बिजली कार्ड खेल दिया है। वहीं चौथी बड़ी खबर कांवड़ यात्रा को लेकर है। दरअसल यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो चलिए विस्तार से सभी खबरों पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नीति लेकर आई है जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। मुस्लिम समुदायों संगठनों से जुड़े लोग मुफ्ती इमाम मौलाना उलेमा दो धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक धड़ सरकार की पॉलिसी को लेकर मुखर है तो दूसरा धड़ अलग प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार से जुड़े लोग खुलकर जनसंख्या नियंत्रण नीति का समर्थन कर रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद के मोहम्मद तमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा है कि दो या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देना इंसानी हकूक है। वहीं दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को सियासी खेल करार देते हुए कहा कि इसमें मुसलमान नहीं फंसेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून को लाकर बहुसंख्यक वर्ग को अपने पक्ष में लामबद्ध करने की कोशिश कर रही है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी कहते हैं कि सरकार का मकसद जनसंख्या नियंत्रण करना नहीं बल्कि समाज को बांटना है। सरकार इसके जरिए समाज के उच्च वर्ग को खुश करना चाहती है और दलित पिछड़ों और कमजोर लोगों को उन अधिकारों से वंचित करना चाहती है। हालांकि मेरठ के लोगों की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या राय है देखिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जनसंख्या कानून पहले से पहले ही आना चाहिए था। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, यानी कि एक दंपत्ति सिर्फ एक ही बच्चा कर सकते हैं, और ये यूपी में ही नहीं पूरे आपका भारतवर्ष में लागू होना चाहिए कि आज के टाइम में लोगों के पास इतना रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है तो बच्चों को कैसे पालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए पैसे होने चाहिए। लोगों के पास रोजगार नहीं है तो बच्चों का भविष्य बेकार ही होगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई खान पान इनमें ही कम से कम भी आप मान के चलिए महीने के 30,000 रुपये चाहिए, और आज के टाइम में मजदूरी करके भी 200 से 300 रुपये औसतन कमाते हैं मजदूर लोग, जिसकी वजह से आज के टाइम में बच्चों का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे भारतवर्ष में एक और दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि बच्चे माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार होते हैं। क्यों होते हैं? कि उनके पास माँ बाप के पास खिलाने के लिए पैसा नहीं है। खिलाने के लिए पैसा तो है, फिर पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाने के लिए भी पैसा आ जाता है उसके बाद, फिर उनका शादी ब्याह करने के लिए पैसा नहीं रहता, जिसकी वजह से आज के समय में ये दो बच्चों की जो नीति है, एक दंपत्ति जो दो बच्चों की नीति है, ये बहुत अच्छी कारगर है मेरे हिसाब से। औरों का मुझे इस बारे में पता नहीं क्या व्यू है, पर जैसे चाइना ने करा, चाइना की वजह से चाइना का वहाँ की पॉपुलेशन घटी और वहाँ पे लोगों का जो भविष्य है, बच्चों का जो भविष्य है, बहुत अच्छा उज्जवल रहा। मैं तो यही कहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रक है, उसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि मतलब जो है जनसंख्या इतनी ज़्यादा हमारे देश की बढ़ रही है तो कम से कम अगर कंट्रोल होगा फिर नॉर्मल हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। लेकिन यही मुद्दा अगर राजनीति के जगह इलेक्शन का दौर चल रहा है तो इलेक्शन के दौर पे ही ये चीज़ें क्यों निकलती हैं, तो इससे ये होता है, ये फिर नुकसान वाली बात भी है। नुकसान इसलिए है क्योंकि ये राजनीति मुद्दा हो जाएगा तो फिर ये जो है ना जो बिरादरवाद कास्टवाद इस पर चलेगा तो फिर इससे दिक्कत हो जाएगी। जी हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सरकार करना चाहे हम उससे जो है सहमत हैं, जो सरकार करना चाह रही सही करेगी। देखिए गवर्नमेंट जो कर रही है सही कर रही है, भाई उसकी गवर्नमेंट है, वो जैसा चाहेगी ऐसा चाहेगी, हम भी ऐसे चलेंगे। अब से पहले 7 साल पहले ही भी कर सकते थे, लेकिन अब इलेक्शनों के टाइम पे क्यों कर रहे हो, वोट लेने के लिए।
देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है, तो इसके साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से जारी है। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने के मामले में हिमाचल प्रदेश टॉप पर है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जबकि बिहार 10वें और यूपी 11वें नंबर पर आता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिले डेटा के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ऊपर की 62.1% आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। ये आंकड़ा पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अगर ऐसे में समझ सकते हैं कि हिमाचल में 18 साल से ऊपर के हर 10 में से 6 व्यक्ति को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। हिमाचल के बाद दूसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली आती है, जहां की 18 साल से ऊपर की 45.4% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। तीसरे नंबर की बात करें तो 44.4% कवरेज के साथ गुजरात आता है। वहीं यूपी और बिहार इस मामले में काफी नीचे दिख रहे हैं। बिहार में अब तक 22% आबादी को ही वैक्सीन की एक डोज लगी है, जबकि यूपी में 21.5% आबादी को ही अभी तक पहली डोज दी जा सकी है। वहीं वैक्सीन की दोनों डोज के मामले में भी हिमाचल सबसे आगे है। यहां की 18 साल से ऊपर की 16.1% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। दूसरे नंबर पर केरल है, जहां 18% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। दिल्ली तीसरे नंबर पर आता है, जहां की 18 साल से ऊपर की 13.9% आबादी को दोनों डोज लग चुकी हैं। इस मामले में यूपी और बिहार बहुत नीचे है। यूपी में अब तक 18 से ऊपर की 4% आबादी और बिहार में 3.7% आबादी को ही दोनों डोज लगी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वैक्सीनेशन के मामले में देश के बड़े राज्य पीछे हैं। वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर यूपी के बुलंदशहर में हमारे संवाददाता लोकेश कुमार ने एक गांव का रियलिटी चेक किया। आप भी देखिए वहां के हालात कैसे हैं। हम मौजूद हैं बुलंदशहर के जिला अस्पताल में, जहां सुबह से ही वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चालू है। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में मेरे साथ ये लोग खड़े हुए हैं। आइए इनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नवेद। नवेद जी, आप वैक्सीन लगवाने आए हैं यहाँ पर? जी। आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया था, कितने दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराया था? 9 तारीख में कराया था। आज आपका नंबर आया है, कब से लाइन में लगे हुए हैं आप? नहीं, मैं तो आया था, बस तुरंत हो गया मेरे तो। अच्छा, ये बताइए क्या उम्र है आपकी? मेरी 20 साल है। 20 साल है, तो आपने अपने परिवार में भी किसी को और जागरूक किया वैक्सीन लगवाने के लिए? हाँ, बड़े भाई ने भी लगवाई है और हमारे मम्मी ने लगवाई है, पापा ने लगवाई है। तो जैसा कि नवेद हैं, इन्होंने अभी वैक्सीन लगवाई है और आगे भी हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी पता करेंगे किस तरह से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो चल रही है। भैया ज़रा साइड। वैक्सीन लगवाने आए आप? जी सर। आपने स्लॉट बुक कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया? यस सर। कितनी तारीख को? 9 जुलाई को। 9 जुलाई को। तो कब से लगे हुए लाइन में? सर हो गया आधा घंटा से हो गया। आज ज़्यादा भीड़ है सर, मेरे तो लग गई है, मेरे भैया हैं बड़े, इनके लगनी है आज। तो वैक्सीन लगवाने के बाद में कोई प्रोकेशन आपको बताया, कोई दवाई गोली दिया? नहीं सर, कोई दवाई गोली नहीं मिली। आपके परिवार में से और भी कोई लोग आए हैं? आप ही आए हैं? नहीं, भाई हैं, बड़े ही आए हैं। यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है उससे भी ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे किस तरह से लोगों में जो जागरूकता है वैक्सीनेशन को लेकर, किस तरह से लोग यहाँ वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। सर नाम क्या है आपका? शिवशंकर शर्मा। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसकी टाइमिंग क्या है और लोगों में कितना रुझान है वैक्सीनेशन को लेकर, ये बताएंगे। मैडम आपका नाम क्या है? हमारा नाम ओमबाला है। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है मैडम, क्या टाइमिंग है और किस तरह से लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है? रुझान लोगों में तो रुझान बहुत मिल रहा है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे और खूब लंबी लाइन लग रही है, खूब टीके लग रहे हैं यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से। और हम 9 से 5 तक लगाते हैं। क्या वैक्सीनेशन की कोई कमी अभी तक आई है? नहीं, वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं आई है, यहाँ पे वैक्सीन पूरी है। हाँ जी। तो ये मेडिकल स्टाफ है जो कि मेडिकल स्टाफ लगातार जो वैक्सीनेशन के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं उनको सुचारू रूप से वैक्सीन लगा रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से लोग यहाँ पर लाइन में लगकर वैक्सीनेशन कराने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बुलंदशहर से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए लोकेश कुमार की रिपोर्ट। हम समस्त गांव में हमारी RRT टीम काम कर रही है, हमारे आशा आंगनबाड़ी की निगरानी समिति काम कर रही है, जहां से भी सूचना मिलती है
उसी ग्राउंड में हम सैंपलिंग भी करा देते हैं। कोई पॉजिटिव केस है तो उसके लिए आरआरटी टीम जाकर उसका भी हालचाल दिखाती है, और वैक्सीनेशन हम कोई भी अगर वहाँ पर सरकारी बिल्डिंग है तो उसमें उसे वैक्सीनेशन का भी हमने प्रोग्राम बना दिया है, तो समस्त गाँव को भी कवर करेंगे उसकी एडिशनल पीएससी के साथ साथ। पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर स्थिति है, कल भी काफ़ी कम केसेस आए हैं, अब एक चौथाई से भी कम केसेस रह गए, एक्टिव केसों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई, 25% के आसपास ही रह गई है। नहीं, हमने 5 तारीख से 9 तारीख तक के गांव में हाउस टू हाउस प्रोग्राम चलाया था, अभियान चलाया था, और सभी आज निगरानी समिति को बताया हुआ है, पूरे गाँव में 951 ग्राम से हमारी निगरानी समिति एक्टिव हैं, तो हम समस्त गाँव से हम उनकी सूचनाएँ प्राप्त करते हैं, जैसे ही सूचना प्राप्त होती है तो वहाँ पर उसको फिर एक्टिविटी करा देते हैं, और गाँव के प्रधान भी उसमें सैनिटाइजेशन का काम करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का चुनावी राज्यों का दौरा लगातार जारी है। पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब केजरीवाल ने गोवा में सभी को फ्री बिजली देने का वादा किया है। 2 दिवसीय गोवा दौरे के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि अगर यहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो यहां के लोगों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी, यहां के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। केजरीवाल ने गोवा की जनता से 4 वादे भी किए। पहला वादा है कि हर घर को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। दूसरा वादा है कि जितनी भी पुरानी बिजली बिल है उन सबको माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोवा वालों को हर दिन 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। साथ ही केजरीवाल ने गोवा के किसानों को कृषि कार्य में इस्तेमाल के लिए बिजली भी मुफ्त देने का वादा किया है। इससे पहले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल ने पंजाब में भी फ्री बिजली का वादा किया था। पिछले दिनों देहरादून में केजरीवाल ने चुनावी वादे में फ्री बिजली बिल को शामिल किया है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, लेकिन इन चुनावी राज्यों में केजरीवाल ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे थे। अपनी यात्रा के दौरान केजरीवाल ने गोवा में आम आदमी पार्टी संगठन की समीक्षा की और पार्टी के कई नेताओं के साथ बैठक भी की थी। आइए आपको भी सुनवाते हैं केजरीवाल ने उत्तराखंड और गोवा की जनता से क्या वादे किए हैं। जैसे दिल्ली में करके दिखाया, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। गोवा के लोगों की डिमांड पे आज बिजली के क्षेत्र में मैं अपनी पहली गारंटी देने आया हूँ। मेरी गारंटी का मतलब है कि आम आदमी पार्टी इसको करेगी। हमारा ये चुनावी वादा नहीं है जिसको चुनाव के बाद दूसरी पार्टी वाले कहते हैं अरे ये तो हमारा चुनावी जुमला था। हमारा चुनावी जुमला नहीं है, केजरीवाल जो कहता है वो करता है। वंस दिस अनाउंसमेंट इज इंप्लीमेंटेड, 87% ऑफ गोवा विल स्टार्ट गेटिंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल। पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। तीसरी बात की गारंटी, 24 घंटे बिजली देंगे। कावड़ यात्रा को मंजूरी देने के यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान लिया है। इसके लिए नोटिस जारी किया गया है और शुक्रवार को सुनवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। बता दें जस्टिस रोहिंगटन नरीमन की अध्यक्षता में संज्ञान लिया गया है। कोरोना काल में उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा पर रोक लगाई है, तो वहीं यूपी में शर्तों के साथ कावड़ यात्रा को इजाजत दी गई है। बता दें यूपी, उत्तराखंड और केंद्र को नोटिस देते हुए कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री भी कोरोना की तीसरी लहर के प्रति लोगों को आगाह कर चुके हैं, ऐसे में हम संबंधित राज्य
सरकारों का रुख जानना चाहते हैं। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कांवड़ यात्रा पर आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है। दरअसल बीजेपी शासित दो राज्यों का कांवड़ यात्रा पर अलग अलग रुख देखने के लिए मिल रहा है। कोरोना की वजह से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द की गई है। उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि लोगों का जीवन सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं उत्तराखंड में लगातार दूसरे साल इस बार भी कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। यूपी में योगी सरकार ने शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा की इजाजत दी है। यूपी में बता दें 25 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। वहीं उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा में हर साल सावन में करोड़ों कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं। श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गृह राज्य वापस लौटते हैं। ये लोग भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेने आते हैं। ज्यादातर कांवड़िए यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्यों से हरिद्वार पहुंचते हैं। साल 2019 में कोरोना से पहले करीब 5 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे, लेकिन अब कोरोना के समय में अगर इतनी भीड़ हरिद्वार पहुंचने से हालात खराब होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसानी का कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत दिनों तक कुहासा छाया रहा, कांवड़ यात्रा पर कुहापोह की स्थिति बनी रही, कहीं ना कहीं संवादहीनता साफ दिखाई पड़ी उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तराखंड सरकार में। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कांवड़ यात्रा कराने का और हमारी सरकार ने निर्णय लिया है उसे रद्द करने का। यही बात विपक्ष बहुत दिनों से कह रहा था कि ऐसा ना हो कि कुंभ जैसा हश्र भी कांवड़ यात्रा का हो जाए। हमें अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए। हम दूध के जले हैं, हमें तो छाछ भी फूक फूक कर पीनी चाहिए। हमने कुंभ फर्जीवाड़ा देखा, हमने कुंभ को सुपर स्प्रेडर बनते हुए देखा, हमने हीला हवाली, कोताही, लापरवाही देखी शासन प्रशासन की। और यदि सरकार में सामर्थ्य नहीं है कि वो बंदोबस्त करा सके, लोगों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करा सके, तो ऐसे में इसको प्रतीकात्मक ही होना चाहिए। ये बार बार हमारा कहना है और राज्य सरकार ने आज इस पर निर्णय लेकर इस पर से जो बादल हैं वो हटा दिए हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूँ इंतजार। हम इस वक्त मौजूद हैं हरिद्वार की कांवड़ पटरी पर। हर वर्ष कांवड़ जो यात्रा है हरिद्वार से शुरू होती है, जिसमें जो पूरे भारत से नहीं बल्कि पूरे लगभग अन्य देशों से भी लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए महाशिवरात्रि के इस अवसर पर यहाँ हरिद्वार पहुँचते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है, क्योंकि जो पुलिस के जो अधिकारी हैं और अन्य विभाग के जो आलाकमान अधिकारी हैं, तो मुख्यमंत्री ने संघ के साथ बैठक करने के बाद इस यात्रा पर, कांवड़ यात्रा पर एक बार फिर रोक लगा दी है। तो पिछले बार भी कोरोना काल के जो कोरोना संक्रमण था, कोरोना संक्रमण के चलते कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया था, तो इस बार फिर मुख्यमंत्री के आदेश पर कांवड़ यात्रा को स्थगित किया है। तो आपको दिखाते हैं कि जो कांवड़ पटरी है, जो कांवड़ पटरी हर वर्ष कांवड़ पटरी को इन दिनों जो भी सर सुविधाएं हैं, चाहे वो लाइट की सुविधा हो या अन्य स्वास्थ्य सुविधा हो, जैसे सजा दिया जाता था और जो सुविधाएं यहाँ पे दे दी जाती थी। तो इस कांवड़ पटरी के आपको हालात दिखाते हैं कि इस बार इस कांवड़ी के जो कांवड़ पटरी है, इसके जो हालात क्या हैं और सरकार के द्वारा जैसे कि कांवड़ यात्रा को बंद किया गया है, कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया है, तो कांवड़ पटरी का हालात है इस वक्त। कांवड़ पटरी सूनी पड़ी हुई है। तो कैमरा मैन पर्सन से चाहूँगा कि कांवड़ यात्रा जो कांवड़ पटरी है, कांवड़ पटरी के दर्शन लोगों को कराएंगे, जो कांवड़ पटरी है किस तरह से इस कांवड़ पटरी के ऊपर जो आवाजाही है, जो तैयारियाँ थी, जो सुविधाएँ थी, वो तैयारियाँ नहीं हो पाई हैं, चूँकि कांवड़ यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया गया है। और कांवड़ यात्रा जो हरिद्वार के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं और जो उत्तराखंड के जो DGP हैं, जो अन्य अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों या अन्य विभाग के अधिकारी हों, सभी को देखते हुए इस कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। कोई भी यात्रा जान माल की सुरक्षा से बढ़कर नहीं है, तो इसी को देखते हुए इस कांवड़ यात्रा को जो है स्थगित करने का फैसला लिया गया है। मैं इंतजार रजा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए हरिद्वार। चार का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे चार बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।